दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर ने एक बहुत ही शानदार पार्टनरशिप यहां पर करी है और उस पार्टनरशिप की न्यूज़ यहां पर रिसेंटली हमें आज ही के दिन आते हुए देखने को मिल रही है। और जैसा कि आपको पता है कि वीकेंड चल रहा है, सैटरडे संडे जो भी न्यूज़ निकल कर आती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको शेयर की प्राइस के ऊपर मंडे के दिन देखने को मिलता है। तो टाटा पावर के अंदर भी जो ये न्यूज़ निकल कर आई है इसका इम्पैक्ट आपको मंडे के दिन इसकी ट्रेडिंग सेशन पर देखने को मिल सकता है। टाटा पावर ने एक बहुत ही शानदार पार्टनरशिप करी है जिसकी डिटेल्स तो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने ही वाला हूँ। साथ ही साथ टाटा पावर के CEO प्रवीण सिन्हा की तरफ से भी कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पर निकल कर आए हैं, उसे भी यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपस्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें इसके अंदर लगभग 5 से 5.25% तक की गिरावट देखने को मिली। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप टाटा पावर के वॉल्यूम बेस काम को देखेंगे तो वहां पर हमें किसी प्रकार की गिरावट देखने को नहीं मिली, बल्कि वॉल्यूम बेस काम में तो टाटा पावर के अंदर हमें 18 नवंबर के दिन यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हाइएस्ट वॉल्यूम बेस काम देखने को मिला है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं टाटा पावर के ट्रेडिंग सेशन के बारे में नहीं बल्कि टाटा पावर के पार्टनरशिप के बारे में। तो आप देख सकते हैं कंपनी की तरफ से जो ट्वीट यहां पर निकल कर आया है, कंप्लीट मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा, पर अभी आप यहां पर ये ट्वीट देख सकते हैं जिसमें लिखा है टाटा पावर इन कोलैबोरेट्स विद WBCSD यानी कि वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में यहां पर कंपनी ने बहुत ही शानदार पार्टनरशिप करी है। ये कल ही के दिन हमें इसकी अपडेट्स देखने को मिली है और आज ही के दिन कंपनी ने ये अनाउंसमेंट, इसका जो स्टेटमेंट है वो यहां पर डिक्लेयर किया है। आप कंप्लीट न्यूज़ यहां पर देख सकते हैं, टाटा पावर एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम टूगेदर टू एक्सेलरेट बिजनेस एक्शन ऑन SDGs फॉर इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पर कंपनी बहुत ही शानदार वे में जाते हुए देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं टाटा पावर के CEO एंड MD प्रवीण सिन्हा की तरफ से जो स्टेटमेंट निकल कर आया है जिसके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइटेड पॉइंट्स मैंने आपके सामने यहाँ पर कवर कर दिए हैं, जिसमें आप अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर SDG रोड मैप फॉर इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज। साथ ही साथ यहाँ पर 10 ग्लोबल पावर यूटिलिटीज कंपनीज के ऊपर यहाँ पर कंपनी पूरी तरीके से काम करते हुए देखने को मिल रही है। एंड टाटा पावर हैज सेट अप एन एम्बिशियस रोड मैप टू इंप्लीमेंट 10 ऑफ 17 SDGs, यानी कि टोटल जो हमें यहां पर 17 SDGs देखने को मिलने वाले हैं उसमें 10 पर कंपनी यहां पर पूरी तरीके से रोड मैप बनाकर तैयार हो चुकी है। साथ ही साथ यहां पर कंपनी के CEO और MD की तरफ से एक और स्टेटमेंट यहां पर निकल कर आ रहा है, जैसा कि आपको बताया कि टाटा पावर पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी पर काम करते हुए हमें देखने को मिल रही है और इनका जो टारगेट है यानी कि 2050 तक कंपनी ऑलमोस्ट 100% कार्बन न्यूट्रल ग्रीन एनर्जी के ऊपर यहां पर शिफ्ट होना चाहती है। और उसको देखते हुए यहाँ पर प्रवीण सिन्हा की तरफ से कहना है कि अभी वो 32% यानी कि लगभग 32% क्लीन एनर्जी पर काम कर चुके हैं और फाइनेंशियल ईयर 2030 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 80% तक वो यहाँ पर क्लीन एनर्जी पर पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ उनका जो टारगेट है, जो एम है कि 2050 तक 100% क्लीन एनर्जी के ऊपर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और उनका मानना है कि कंपनी इतनी ज़्यादा प्रयास कर रही है कि जितना जल्दी हो सके, यानी कि उन्होंने सिर्फ विज़न बताया है, एक एस्टिमेट बताया है 2050, लेकिन उनका कहना है कि जितना जल्दी हो सके कंपनी पूरी तरीके से ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है। जैसा कि आपको बताया कि टाटा पावर इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है जो कि ऑलमोस्ट 13,068 मेगावाट की यहाँ पर जो इंस्टॉल मैनेज्ड कैपेसिटी है वो यहाँ पर जनरेट कर रही है। साथ ही साथ कंपनी की अगर पावर जनरेशन की बात करी जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी से, साथ ही साथ थर्मल एनर्जी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉल एंड फ्रेट, लॉजिस्टिक एंड ट्रेडिंग, यहाँ पर हमें कंपनी काफ़ी बुलिश वे में जाते हुए देखने को मिल रही है। और अगर पावर सेक्टर कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं और टाटा पावर का नाम वहाँ पर निकल कर नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कंपनी ने सस्टेनेबल
डेवलपमेंट एनर्जी को लेकर यहाँ पर जो वर्ल्ड बिजनेस का क्लास के साथ में, यहाँ पर वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल के साथ में जो ये कोलैबोरेशन किया है, इसका बेनिफिट कंपनी को लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा मिलने वाला है। और इस न्यूज का इंपैक्ट आपको मंडे के दिन इसकी शेयर प्राइस के ऊपर एक पॉजिटिव वे में भी देखने को मिल सकता है। 75,762 करोड़ रुपए के लार्ज के वाली मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी, जिसकी सेल्स कंटिन्यूसली हमें ग्रो होते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी अपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के ऊपर भी काफ़ी कंट्रोल यहाँ पर लगाती हुई देखने को मिल रही है। और कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्मेंस की भी बात करी जाए तो वहां पर कंपनी की परफॉर्मेंस काफी आउटस्टैंडिंग निकल कर आ रही है। आप देख सकते हैं मार्च 2020 के कंपैरिजन में कंपनी ने जो सेल्स यहां पर 2021 में डिक्लेयर करी है वो काफी ज्यादा है। 32,468 करोड़ रुपए की कंपनी ने सेल्स डिक्लेयर करी है। वहीं अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करी जाए तो मार्च 2021 में कंपनी ने 5,881 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जनरेट किया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी हमें लगभग 18% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,454 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ पर कंपनी का रिसेंटली देखने को मिल रहा है, जो कि एज कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर बेसिस काफी शानदार देखा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि पावर सेक्टर कंपनियों के लिए पिछला कुछ साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब हमें इन पावर सेक्टर कंपनियों को लेकर रिकवरी मोड यहां पर देखने को मिल रही है। उसी में अगर बात करें प्रमोटर्स के स्टेक की, तो अगर आप यहां पर कुछ चीज़ों को फोकस करके चलेंगे तो यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग्स को सबसे ज़्यादा फोकस रखेंगे तो यहां पर दिसंबर 2018 में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 33% की, सितंबर 2019 में 36% की, जून 2020 तक 37% की, लेकिन सितंबर 2020 से सारा डाटा हमें यहां पर चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि प्रमोटर्स खुद ही अपनी कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर्स को भरोसा है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में कुछ बड़ा धमाका करने वाली है। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स का स्टेक जो कि हमें जून 2020 में लगभग 37% देखने को मिलता था, वही सितंबर क्वार्टर में हमें लगभग 46% देखने को मिल रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के अपने टारगेट होते हैं, वो अपना टारगेट अचीव होते ही प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद 11% का स्टेक अभी भी हमें FII का टाटा पावर के अंदर देखने को मिलता है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें, जून क्वार्टर में DII ने प्रॉफिट बुकिंग करी थी, लेकिन फाइनली सेप्टेम्बर क्वार्टर में अगेन DII ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। साथ ही साथ बात करें अदर इंस्टीट्यूशंस की, तो यहाँ पर भी रिटेल इन्वेस्टर जिनके टारगेट शॉर्ट टर्म के होते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो शेयर्स बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी आपको बताया था कि यदि आपको ये शेयर्स गिरावट में भी मिलता है तब भी आप यहाँ पर बाय ऑन डिप करते हुए चल सकते हैं, लेकिन मंडे के दिन जो नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आपको इंडियन शेयर मार्केट की सारी अपडेट्स, ग्लोबल मार्केट की सारी अपडेट कंटिन्यूअसली शेयर करी जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।